नमस्कार दोस्तों, फंडामेंटल इन्वेस्टर चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम यहां पे ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। 212 रुपए शेयर का प्राइस है। आज के दिन में बहुत ही ज़्यादा इसमें वॉल्यूम जनरेट होते हुए नज़र आ रहा था, लगभग 26 पॉइंट्स अप है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 26 पॉइंट्स, और अगर परसेंटेज देखेंगे तो 14.10% यहाँ पे आप है इन जस्ट वन डे। सो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट हुआ लगभग 12:45 में, और उसके बाद स्टॉक बहुत बड़ा यहाँ पे रैली करते हुए नज़र आ रहा था। ऑल टाइम हाई पे स्टॉक है, बहुत सारे इसने ब्रेकआउट्स भी दिए हैं, और कल के दिन में भी इसमें अच्छा खासा उछाल आ सकता है। अभी इसमें लॉन्ग टर्म में ट्रेड करें इसमें या फिर शॉर्ट टर्म में करें, इसके बारे में बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे। तो चलिए आपको बता देता हूँ, इसमें जो रिजल्ट्स आए उसको देख के और बाकी चीज़ें फाइनेंशियल्स देखनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक एक बार चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। मैं वहाँ पर अच्छे अच्छे स्टॉक्स ट्रेडिंग के लिए देता रहता हूँ, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर मुनाफा होते रहे, आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक मार्केट से सीख पाए। तो दोस्तों सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कंपनी क्या करती है, कौन सा प्रोडक्ट्स है। सो इनका प्रोडक्ट्स दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, लगभग लीड अलॉय एंड लीड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का ये काम करते हैं, जो कि अलॉय और स्टील इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा डिमांड कोई बहुत सारे दिनों से चल रहा है। स्टील इंडस्ट्री में नहीं, सेक्टर सभी सेक्टर्स अच्छा खासा यहाँ पे परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। लगभग कंपनी का मार्केट कैप 1444 करोड़ का है। करंट प्राइस यहाँ पे देख सकते हैं आप, लगभग ये अपडेट नहीं हुए अभी तक। सो यहाँ पे अपडेट होने के बाद दूसरा नंबर दिखाई देगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 41 रुपीज़ से 212 रुपीज़ का टॉप लगाया था, जो कि आज इसने ब्रेकआउट कर दिया। सो ऑल टाइम स्टॉक यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक पी लगभग 20 रुपीज़ का है। जब इसका EPS देखने जाए तो EPS थोड़ा सा कम है, लगभग 10 रुपये का EPS है, और स्टॉक पी यहाँ पे 20 का है। कंपनी की अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करते हैं तो 73% यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग है, विद अ जीरो प्लेज, यहाँ पे एक भी रुपए का प्लेज बिल्कुल भी नहीं है। ROC और ROE को देखते हुए नज़र आता है कि शेयर ने बहुत अच्छा खासा परफॉर्म किया है पिछले साल में। सो वो रहा है क्योंकि लगभग ये स्टॉक ने 300% से भी ज़्यादा के रिटर्न जनरेट करके दिए हैं विद इन अ ईयर। सो ये और भी यहाँ पे रिटर्न जनरेट करके देगा आराम से, क्योंकि अगर इसमें देखा जाए तो लगभग इंटरेस्ट वो सिर्फ और सिर्फ 16 करोड़ पे कर रहे हैं, जब इनके पास फ्री कैश फ्लो 55 करोड़ रुपये का है। अगर इस कंपनी के नंबर्स ऑफ इक्विटी शेयर देखे जाए तो लगभग देख सकते हैं नियर 7 लाख है, उसमें से भी 73% किसके पास है, प्रमोटर्स के पास है। सो यहाँ पे आराम से इस कंपनी के शेयर्स ख़त्म हो सकते हैं, और अपर सर्किट फ्यूचर में देखने के लिए आप तैयार भी हो जाइए, फिर सोचिए हो गए करके वो लग जाएंगे थोड़े दिनों में, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम आज के दिन में नहीं था, बट स्टिल पूरे मार्केट में वॉल्यूम आज नहीं था, स्टिल इस शेयर में बहुत बढ़िया वॉल्यूम दिया है आज। ठीक है, पूरे मार्केट में आज कोई भी वॉल्यूम नहीं था, इसके बारे में मैंने बहुत बार बोला भी है, जब मार्केट में वॉल्यूम नहीं होता तब मार्केट एक कंसोलिडेटेड चलता है, एक स्विंग में चलता है, फिर भी स्टॉक ने 14% आज के दिन में रिटर्न दिया है। मतलब बैंक ये दो सालों का रिटर्न देती है 14%, ये शेयर ने एक दिन में आपको दिया। सो इसके बारे में और कुछ जानना है तो लगभग इस कंपनी के रिटर्न ऑन असेट्स देखेंगे, सो लगभग आप यहाँ पे देख सकते हैं 8.48%। अभी ये बहुत ग्रेट है, क्योंकि इस टाइम पे रिलायंस के अगर हम रिटर्न ऑन असेट्स देखेंगे तो वो 3.98 रुपीज़ चल रहा है, 3.98% चल रहा है। सो आप समझ सकते हैं कि रिलायंस से भी ज़्यादा के रिटर्न ऑन असेट्स ये कंपनी कमा रही है। सो यहाँ पर मैनेजमेंट बहुत तगड़ी अच्छा खासा मतलब कर रही है काम, और भी यहाँ पे कंपनी आराम से ग्रोथ दिखा सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम नेट सेल्स देखते हैं कंपनी का, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं जून 2020 में, जो कि पिछले साल में, इस कंपनी के नेट सेल्स 258 करोड़ के थे। वहाँ से लगभग एक साल में ही कंपनी ने अपने नेट सेल्स डबल कर लिए, 446 करोड़ के, मतलब डबल के नियर ये अच्छा खासा यहाँ पे परफॉर्मेंस किया हुआ है कंपनी ने इस कोरोना के टाइम में। बहुत कंपनीज मार खा रही है, कोई कंपनी सेल्स नहीं कर पा रही, कोई कंपनीज के एम्प्लॉयज़ काम नहीं कर पा रहे, बट इस कंपनी ने बहुत अच्छा खासा ग्रोथ दिया है। सितंबर में लगभग देख सकते हैं 340 करोड़ के नियर लेके गए थे, फिर लगभग दिसंबर में थोड़ा सा और परफॉर्म किया 373 करोड़, और वापस मार्च 2021 में 400 करोड़ क्रॉस किए इन्होंने अपने नेट सेल्स, 438 करोड़ से लगभग 446 करोड़ इस क्वार्टर में। सो कंस्टेंटली यहाँ पे ग्रोथ नज़र आ रही है। अगर इस कंपनी की और चीज़ों के बारे में देखते हैं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है, जिसे हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, लगभग 27 लाख रुपये का था। आप सोचिए मार्जिन्स कितने बेकार घट गए थे, क्योंकि लगभग जब 258 करोड़ के सेल्स से वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 27 लाख का प्रॉफिट, कंपनी ने बहुत बड़ा यहाँ पे मार्जिन्स लूज़ किया था, बट मुझे लगता है कि उसके बाद कंपनी ने बहुत अच्छा खासा रिकवरी किया हुआ है। कंपनी के लगभग मार्च सितंबर 2020 के जो
प्रॉफिट्स थे वो लगभग, प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो लगभग देख सकते हैं 12 करोड़ 50 लाख, उसके बाद दिसंबर में 20 करोड़, उसके बाद मार्च में 30 करोड़, और अभी 26 करोड़ 27 करोड़ के नियर आ चुके हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट ज़रूर स्लिप हुए, बट डरने की कोई बात नहीं है, कंपनी ने बहुत सारी चीज़ें भी यहाँ पे की है, उसके वजह से ही यहाँ पे इसके प्रॉफिट स्लिप हुए, वो चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आगे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो 21 करोड़ रुपीज़ के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स किए हुए हैं, जब कंपनी के प्रॉफिट पिछले साल से अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि 21 करोड़ 35 लाख वहाँ से 21 करोड़ 78 लाख हुए, मतलब यहाँ पे अपने टैक्सेस जो है वो कंपनी ने बहुत ज़्यादा कट कर लिए, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा जैसे कि ज़्यादा थे प्रॉफिट्स और यहाँ कम थे 4 करोड़ के, फिर यहाँ से यहाँ ऐसे क्यों हुआ, कंपनी के प्रॉफिट्स फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्यों बढ़ा, और टैक्स का एक भाग होता है जब टैक्स ज़्यादा कटते हैं तब कंपनी के प्रॉफिट्स कम होते हैं, सो इसीलिए कंपनी ने पहले ही टैक्स कट कर लिए थे। अभी इस कंपनी के बारे में थोड़ा डेप टू इक्विटी रेश्यो के बारे में बात कर लेते हैं, तो कंस्टेंटली यहाँ पे डेप टू इक्विटी रेश्यो घटते जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, जितना ज़्यादा डेप टू इक्विटी रेश्यो कम है मतलब कंपनी अपना डेप्ट कम कर रही है या फिर अपने असेट्स कंस्टेंटली बढ़ा रही है। अगर अपना कंपनी डेप्ट कम कर रही है तो एक अच्छी बात है, बट अगर कंपनी कंस्टेंटली डेप्ट उठाकर असेट्स खरीद रही है सो एक आपको चेस करना पड़ेगा कि कंपनी पे असेट्स रिटर्न ऑन असेट्स कितने हैं, क्योंकि देखिए डेप्ट पे कंपनी को एटलीस्ट यहाँ पे 10-12% तो उनको रिटर्न ऑन इंटरेस्ट देना है, रिटर्न ऑन इंटरेस्ट, ठीक है, रिटर्न ऑन कह सकते हैं कि इंटरेस्ट पे करना है उसको, पर वो अगर रिटर्न ऑन असेट्स कितना कमाती है वो आपको पता चल जाए तो आप यहाँ पे इजी इस कंपनी में गेन कर सकते हो। इसका रीज़न ये है कि कंपनी अगर समझिए कोई भी कंपनी 10% का इंटरेस्ट पे कर रही है और उसका असेट्स सिर्फ और सिर्फ 3-5% का है रिटर्न ऑन असेट्स, तो यहाँ पे कंपनी कभी भी प्रॉब्लम में आ सकती है, क्योंकि वो इंटरेस्ट पे कर रही है पर असेट्स से ज़्यादा कमा नहीं रही है, सो यहाँ पे वो ट्रबल में आ सकती है इन फ्यूचर। बट इस कंपनी के बहुत अच्छे खासे इन्होंने असेट्स मैनेज करके रखे, इंटरेस्ट कम पे कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है, बट कंपनी कंस्टेंटली यहाँ पे डेप्ट भी रिड्यूस कर रही है। सो दोस्तों अगर यहाँ पे कंपनी के थोड़े से अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करते हैं तो EPS अगर देखा जाए कंपनी का 1 रुपये का भी नहीं था, 56 पैसा का था, वहाँ पे 1 रुपये 68 पैसा, फिर 2 रुपये 28, फिर 3 रुपये 9, और अभी 3 रुपये 15 पैसे का हो चुका है। कंस्टेंटली यहाँ पे ग्रोथ चल रही है, क्वार्टरली है, ईयरली तो लगभग 10 रुपये के नियर इसका EPS है, अर्निंग पर शेयर, जो कि बहुत बढ़िया है दोस्तों। दोस्तों अगर इस शेयर की और सेंसेक्स की हम कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा सेंसेक्स ने कभी भी इतने ज़्यादा रिटर्न्स दिए नहीं जितने कि स्टॉक ने दिए हुए हैं। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा जब सेंसेक्स आज के दिन में बहुत कम चला है, बट ये स्टॉक अच्छा खासा रिटर्न दे चुका है, और लॉन्ग टर्म में जैसे कि 2 ईयर्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर इस शेयर ने 470% के नियर रिटर्न्स दिए हैं, जब इस शेयर सेंसेक्स ने सिर्फ 48.81% के। यहाँ पे ग्रोथ बहुत अच्छी खासी इस शेयर के तरफ से हो रही है, हमें इसका भरपूर मौका उठाना चाहिए। अगर स्टॉक कंसोलिडेटेड हो के यहाँ पे ब्रेकआउट बढ़ा दे रहा है तो यहाँ पे बाइंग का पोजीशन हमें बना के और ज़्यादा रिटर्न्स का इंतज़ार करना चाहिए। अभी इस कंपनी के एनुअल रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं जो कि अभी आए थे। अगर बात करते हैं कंपनी के मार्च 2020 के रिजल्ट्स की तो 1347 करोड़ से 1409 करोड़ के इन्होंने नेट सेल्स किए थे, जो कि लगभग यहाँ पे बहुत बड़ी जंप तो नहीं, बट समझ सकते हैं कि 60 करोड़ के नियर यहाँ पे जंप लगी थी इन दिस कोरोना टाइम, पैंडेमिक था, सेल्स नहीं हो रहे थे, इन्होंने कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं दिया, यहाँ पे 60 करोड़ के इंप्रूवमेंट किया, जब परसेंटेज वाइज देख सकते हैं 4.60% की यहाँ पे ग्रोथ थी। अभी इस कंपनी के कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं पिछले साल मार्च 2020 में यहाँ पे 33 करोड़ थी, वहाँ से 52 करोड़ की, जो कि बहुत बढ़िया बात है दोस्तों। ईयर ऑन ईयर के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, अभी हमने पढ़ा था पीछे वो तो 26 वो क्वार्टरली रिजल्ट थे, ये ईयर ऑन ईयर है, सो 52 करोड़ के प्रॉफिट्स कंपनी लेके चल रही है। अभी नंबर्स ऑफ शेयर सिर्फ और सिर्फ 6 करोड़ 90 लाख से, उसमें से 73% किसके पास है, प्रमोटर के पास है। अगर हम यहाँ पे बचे कुछ शेयर्स भी मार्केट में देखते हैं तो वो बहुत जल्दी उठ जाएंगे, जब सारा का सारा यहाँ पे जो 25% बचता है वो पब्लिक के पास है। यहाँ पे कोई भी FIIs और DIIs नहीं था, FIIs थे पर वहाँ पे वो अपने स्टेक ट्रिम कर रहे हैं। सो दोस्तों जैसे कि मैंने कहा कि कंपनी समझिए अपना जब डेप टू इक्विटी रेशियो कम हो रहा है, सो यहाँ पे समझ जाना चाहिए कि कंपनी के असेट्स बढ़ रहे हैं या फिर बोरोइंग कम हो रही है। अगर मार्च 2020 और 21 का कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं 262 करोड़ से 231 करोड़ की बोरोइंग है, मतलब लगभग 31 करोड़ यहाँ पे बोरोइंग कम की गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। कंपनी के रिजर्व देखे जाए तो लगभग 211 करोड़ से 255 करोड़, सो यहाँ पे 44 करोड़ की
रिजर्व्स बढ़ाए गए, जो कि अगेन ग्रेट बात है। अभी देखिए यहाँ पे ही बहुत जंप अप, जो 76 करोड़ के आसपास का जंप अप दिखाई दे रहा है कंपनी के सिर्फ और सिर्फ लायबिलिटी सेक्शन में। अभी हम टोटल फिक्स असेट्स और बाकी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कंपनी ने अपने असेट्स जो फिक्स असेट्स थे वो नियर 10 करोड़ के कम किए हैं इन दिस ईयर। अगर कंपनी के अदर असेट्स देखे जाए तो लगभग देख सकते 418 करोड़ से 540 करोड़ तक इन्होंने अपने असेट्स बढ़ाए, जो कि बहुत बढ़िया बात है। और अगर ओवरऑल देखेंगे टोटल असेट्स कितने बड़े हैं कंपनी के, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लगभग कंपनी ने 614 करोड़ से आपको दिख रहा होगा कितना गया है 726 करोड़। सो अगेन बहुत अच्छा खासा यहाँ पे जंप अप असेट्स में भी लगा है। लायबिलिटी सेक्शन में तो ज़्यादा बड़ा, क्योंकि यहाँ पे रिजर्व्स बढ़ा है कंपनी के 44 करोड़। तो यहाँ पे दोनों तरफ से कंपनी को बहुत अच्छा खासा फायदा हो रहा है, इसीलिए शेयर की प्राइस बहुत ज़्यादा रैलीड कर रही है। अगर इस कंपनी के हम प्रमोटर होल्डिंग देखते हैं, तो यहाँ पे प्रमोटर्स ने 1% के नियर स्टेक बाय किया है इन द ओपन मार्केट, जब 72% था वहाँ से 73% हो चुका है। बट हम नहीं कह सकते कि इवन परसेंट, यहाँ पे 0.33% तक बाइंग हुई है। अभी यहाँ पे देखा जाए तो ऑदर्स में लगभग 2% की बाइंग हुई है एक दो क्वार्टर्स में, 4-5 क्वार्टर्स में पकड़ लीजिए, तो यहाँ पे पकड़ सकते हैं कि 2% की बाइंग हुई है। बट पब्लिक के पास भी लगभग अच्छा खासा स्टेक हुआ है। जब किसने बेचा फिर ये, तो यहाँ पे देख सकते हैं DIS 2% से बेचती आ रही है, और अभी इस दिसंबर क्वार्टर में, सॉरी दोस्तों जून क्वार्टर में इसके 0-0 हो चुके हैं, कोई भी नहीं, FIS भी नहीं है, DIS भी नहीं है। अब इसमें दो ही जन हैं, एक है पब्लिक और एक है ऑदर्स। ऑदर्स में आज कोई जल्दी बेचने वाला नहीं, क्योंकि वो ट्रस्ट है, वो बहुत लॉन्ग टर्म चलेगी। अभी बचे लोग पब्लिक। पब्लिक का सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है, पब्लिक कभी भी पेशेंस नहीं रखती, कभी भी सेल कर देती है। जितना कम स्टेक होता है उतना अच्छा होता है, मैं बहुत बार इस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अभी दोस्तों क्या करें इस शेयर में, देखो पहली बात तो ये है कि इस कंपनी में बहुत ज़्यादा बुलिश ट्रेंड आएगा। इसका रीज़न ये है कि लोगों के सेंटीमेंट्स बहुत ज़्यादा स्टॉक के साथ। आप कोई भी किसी को भी पूछे ग्रेविटा इंडिया कैसा शेयर है, तो उससे कभी निकलेगा नहीं कि भाई उस शेयर के ये हो गया वो हो गया गलत है मैं नहीं खरीद सकता हूँ। उससे कहेंगे हाँ भाई खरीद ले, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट देगा। सो ये जो सेंटीमेंट है वो बहुत अच्छा है, जो कि हमें बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कमा के दे सकता है। अभी सेकंड, जब कंपनी में बैड न्यूज़ आती है तो आपको ध्यान रखना है कि जितना ज़्यादा लोग सेल करते आपको अगर एवरेज करके मिल गया तो आप एवरेज कीजिए। कंपनी की बैलेंस शीट स्ट्रांग है, न्यूज़ पर डिपेंड मत, कंपनी बहुत ज्यादा आगे भी प्रॉफिट कमाएगी, क्योंकि अलॉयज और जो बाकी प्रोडक्ट्स है वो आने वाले फ्यूचर में बहुत ज्यादा कंज्यूम होने वाले हैं। जैसे कि इंडिया की जब पॉपुलेशन 1.36 बिलियन हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि कंजम्पशन और भी बढ़ेगा। सो इस कंपनी को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, नामचीन कंपनी है। सो दोस्तों आप यहाँ पे समझ गए होंगे, आपको लगभग एंट्री 200 के नियर लेनी है, और यहाँ पे 300 के नियर आपको शेयर प्राइस टच होते हुए नज़र आएगी 2 से 3 महीनों में। सो लेके रख दीजिए पोर्टफोलियो में, जब बेचने का टाइम आएगा तब बेच देना। 300 तक मेरे टारगेट है, बाकी आपकी मर्जी आप कितना रखते हो। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, मिलता हूँ कल के वीडियो में। तब तक के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक एक बार चेकआउट ज़रूर कीजिएगा।